अभी अहम खबर शामिल करें। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आज़म स्वाति पर तहरीक इंसाफ एहतजाज के दौरान दर्ज केसेस का मामला रहनुमा पीटीआई आज़म स्वाति के खिलाफ एक नई एफआईआर सामने आ गई है। वकील सफाई ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा पुलिस रिकॉर्ड में नई एफआईआर का जिक्र ही नहीं है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज की, हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, तफसील बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज आज़म स्वाति को 7 मुकदमात में इंसाफ दहशतगर्दी अदालत जो है वो पेश किया गया था। एटीसी के जो जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रम की अदालत में पेश किया गया था, तो उनको उस उन 7 मुकदमात में जुडिशल कर दिया गया था। लेकिन साथ ही एकदम से जो तफ्तीशी अफसर हैं थाना मांडला के, वो मंजर आम पर आ गए और उन्होंने जो है वो बताया अदालत को कि जी एक नई एफआईआर है आज़म स्वाति की, उसके बारे से उन्होंने बताया। तो वकील सफाई जो आज़म स्वाति के थे, सुहेल स्वाति, वो कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाए गए जो पुलिस रिकॉर्ड है उसमें नई एफआईआर कोई भी जिक्र नहीं है। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी 5 अक्टूबर को ही पुलिस ने 12 मुकदमा जो है वो दर्ज किए थे। एटीसी के जज ने उसमें रिमार्क किए कि नए मुकदमे के हवाले से फैसला मौजूद जो है वो नहीं है, थाना मांडला में एफआईआर जो है वो दर्ज है। ये भी वकील सफाई ने कहा कि ये एफआईआर तो रिकॉर्ड पर जो है वो थी नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाए गए रिकॉर्ड में इसका एक भी जो है वो जिक्र नहीं है। एटीसी जज ने कहा कि आप रिकॉर्ड देख लें, एफआईआर पढ़ लें, फिर इसको जो हम देख लेते हैं। वकील सफाई ने कहा कि हम पुलिस के खिलाफ तो इन्हें अदालत में जो है वो इसमें जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कोई भी इसका रिकॉर्ड जो है जमा नहीं करवाया गया। जो जज थे उन्होंने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आज़म स्वाति की गिरफ्तारी जो आखिर आपने कब डाली थी, तो तफ्तीशी आगे कल हमने गिरफ्तारी डाली थी आज़म स्वाति पर एहतजाज के लिए, माली मावनत का जो वो इल्जाम है। 5 अक्टूबर को थाना मांडला में जो वो एफआईआर दर्ज की गई थी। वकील सफाई ने जो इस पर कहा कि आज़म स्वाति 5 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे, 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट से मुकदमात की तफसील के लिए हमने जो वो रुजू किया था। तफ्तीशी अफसर ने एक बहुत ही हैरानकुन बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुहर्रर से रिपोर्ट हमने जो वो ली, मुहर्रर ने आगा ही हमें जो वो नहीं किया, मुहर्रर के खिलाफ जो वो महकमा कार्रवाई इसमें जो वो करेगा। तो एटीसी जज ने उस पर कहा कि महकमा कार्रवाई आसान काम है, होना जो है वो इसमें कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद जो है वो जुडिशियल उसमें कर दिया गया, आज़म स्वाति को अब तमाम मुकदमात में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़ ज़की, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे।